दोस्तों, अगर आप लोग भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो ना, वो भी बिना मेहनत किए, मतलब आपको कुछ ना करना पड़े और YouTube से पैसा आता रहे, भाई ऐसा तरीका आज मैं आप लोग के ले गया हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको विदेशी वीडियोस को इंडिया में अपलोड करना है, भाई इतने व्यूज मिलने वाले हैं ना आपको, 10-15 मिलियन व्यूज तो भाई नॉर्मल है बिल्कुल, और अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा लोगे, लाइक 50-60 हज़ार रुपए महीने के आप लोग आराम से कमा लोगे। अभी आप लोग को दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है, जैसे मार्टिन करके कुछ चैनल है, बाहर का चैनल है, लाइक इंडिया में नहीं है बंदा, कोई फॉरन का बंदा है जो ऐसी वीडियोज बनाता है, और इसी को देखो भाई आप लोग कितने मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, 13 मिलियन, 9.2 मिलियन, 4.7 मिलियन। भाई आप जो भी वीडियो बना रहे हो उन पे आप कितने व्यूज नहीं आते होंगे, बट इन वीडियोस पे आपके इतने ही व्यूज आने वाले हैं। अब क्या है, देखो ये बंदा तो बाहर का है भाई, इसको इतने व्यूज नहीं मिल रहे, बट अगर यही वीडियोस आप लोग इंडिया में अपलोड करोगे तो इससे ज्यादा आप लोग को व्यूज मिलने वाले। चलिए आप लोग को अर्निंग भी दिखा देता हूं, आपकी कितनी अर्निंग होने वाली है। सपोज कर लेते हैं आपकी किसी वीडियो पे 13 मिलियन व्यूज चले जाते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं, तो YouTube कितना पे करता है आपको। यहां पे देखो मेरी एक वीडियो है जिसमें 1 मिलियन व्यूज गए हैं और उस पे मेरे को $11 बने हुए हैं, तो अगर आपकी वीडियो पे 13 मिलियन व्यूज चले जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। देखो मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे 11 से, ठीक है, ये देखो आप लोग कितना आ गया, 143। तो अभी मैं देखता हूं यहां पे USDT टू INR करते हैं, $143 कितना होता है, ये देखो भाई आप लोग 11,933 रुपए। अगर आपकी किसी वीडियो पे 13 मिलियन व्यूज चले जाते हैं इस बंदे की तरह, तो आप लोग 11,900 के आसपास, मतलब 12,000 रुपए आप लोग एक ही वीडियो से कमा लोगे। शॉर्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी वीडियो पे 13-14 मिलियन व्यूज चले जाते हैं, और भाई ये इतना मुश्किल नहीं है, ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा चलती हैं। तो एक एक चीज मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कैसे क्या होता है, थोड़ा सा एडिटिंग का रोल रहता है इसमें, कुछ नहीं है, बस आप लोग चीजों को समझ लेना भाई कैसे मैं क्या कर रहा हूं, फिर आप लोग भी वही करना और आप लोग ऐसा चैनल बना लो, कल से ही बना लो भाई, आपका 15-20 दिन में चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपका यूट्यूब से पैसा आने लग जाएगा। ओके, तो अभी फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझाता हूं। ओके यार, साइड में आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई समझ लेना यहां से एक एक चीज। यार देखो, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन मिलता है ना, आपको उस पर क्लिक करो और उस चैनल को सर्च करो भाई, चैनल आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग YouTube, अगर आप नहीं चाहते चैनल सर्च करना तो आप लोग YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हो, ऐसे करके एंडलेस जूम वीडियो, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। बट अभी मैं क्या करता हूँ आपको इस वाले चैनल के बारे में बता देता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल से वीडियो नहीं लेना चाहते तो एंडलेस जूम आप लोग YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अभी समझ लो, सपोज देखो मैं इसकी वीडियो में आता हूँ ना, यहाँ पे इसने दो तरह की वीडियोस अपलोड की हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, तो हमको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इसकी उठानी है और उनमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अब देखो गाइस, अगर आप लोग YouTube से वीडियो लेके सेम टू सेम YouTube पे अपलोड कर दोगे तो भाई आपका रीयूज्ड कंटेंट आपके चैनल पे आ जाएगा और दिक्कत होगी आपको, तो वो समझ लो कैसे बचना है रीयूज्ड कंटेंट से, क्योंकि सबसे मेन चीज वही होती है कि भाई हमको रीयूज्ड कंटेंट आए, अगर रीयूज्ड कंटेंट आएगा तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो समझ लो कैसे क्या करना है, थोड़ा एडिटिंग का गेम रहता है, समझ जाओगे आप लोग। अभी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कोई सी भी वीडियोस की जो है सेव कर लो गैलरी में, डाउनलोड वगैरह कर लो, जैसे भी आपको करनी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता डाउनलोड कैसे होता है। तो अभी मैं कोई सी वीडियो ले लेता हूँ उसकी, लाइक मोस्ट पॉपुलर में जाता हूँ ना, ये वाली वीडियो मैं इसकी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जो फर्स्ट वाली वीडियो है, 4.7 मिलियन इस पे व्यूज है। सबसे पहला काम आपका यही रहता है, आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छी लग रही है भाई, और वो वीडियो डाउनलोड कर लो। ओके गाइस, वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन पे चले जाओ भाई, लाइक VN पे जाते हैं, क्योंकि ये मेरे को सबसे सही लगती है। VN एप्लीकेशन पे आपको आना है, प्लस का आइकन मिला है ना नीचे, इस पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पे क्लिक करो, और भाई जो आपने वीडियो डाउनलोड की है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करो, लाइक ये वीडियो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, अब यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लेना, वो वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो ऊपर जो आपको ओरिजिनल का ऑप्शन मिलता है ना, आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है 9:16, ठीक है, टिकटॉक का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट बदल जाएगा। अब अगर ऐसे अपलोड करोगे तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाली वीडियो पे क्लिक करो पहले अपनी, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, इसको सेट कर लो भाई स्क्रीन पर, लाइक इतना कर लो जिससे बस दिख हो जाए और थोड़ा सा फ्रेम भी चेंज हो जाए वीडियो का, इतना हो गया। अब ऊपर जो नीचे जो जगह बचती है ना, इसमें हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है, वो देखना क्या कैसे करना है आपको। सबसे पहले गाइस वीडियो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे कई सारे ऑप्शन मिल रहे ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बीजी बैकग्राउंड, आपको इस पे क्लिक करना है, ऐसे करके यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इमेज कलर, कलर वाले बटन पे क्लिक करना है, इसको ब्लैक कर दो भाई ऐसे करके। अभी गाइस क्या करना है, इस वीडियो को ना भाई यहीं पे छोड़ दो, ऊपर जो ब्लू वाला ऑप्शन आ रहा है इसके बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, इस पे क्लिक करोगे ये वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। अब आपको क्या करना है गाइस, अपने किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है रेड बैकग्राउंड, इतना सर्च करना है भाई, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन में आओगे, यहाँ से प्लेन सी इमेज डाउनलोड कर लो रेड को, यार ना इसको डाउनलोड कर लो, एक तो रेड करनी है आपको, मैंने ऑलरेडी की हुई है वैसे वीडियो से पहले मैंने कर ली थी, एक आपको करनी है येलो सर्च किया मैंने यहाँ पे, आ गया। अब आपको ऐसी नहीं करनी है, देखो इसमें ऐसे दाग वाग से ऐसी मत करना है डाउनलोड, आपको प्लेन कलर की डाउनलोड करनी है, प्लेन रेड इमेज और प्लेन येलो इमेज, तो ये भी आपको डाउनलोड करनी है। ओके, जैसे आप लोग रेड और येलो डाउनलोड कर लोगे तो वापस आपको अपने VN एप्लीकेशन पे जाना है, प्रोजेक्ट पे चले जाना है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो आपको करना है, फिर बताऊंगा कि क्या होता है। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ेगा भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी वीडियो
वीडियो में वॉइस ओवर करके उसको शॉर्ट्स पे अपलोड करते हो तो आपको कभी भी रियूज्ड कंटेंट नहीं आने वाला अगर आप लोग अपनी वॉइस उसमें ऐड करते हो। देखो अगर आप लोग किसी की वीडियो सेम टू सेम उठा के अपने चैनल पे अपलोड करोगे तो आपको रियूज्ड कंटेंट आएगा और दिक्कत भी आएगी मोनेटाइजेशन वगैरह में। बट अगर आप लोग उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हो, कुछ अपनी वैल्यू ऐड करते हो उसमें, तो आपको रियूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें अपनी आवाज डालनी है। अभी जो ऑडियो में आवाज है ना भाई, उसको तो करो म्यूट। वीडियो पे क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले बटन पे क्लिक करना है, इसको कर दो म्यूट। ऐसे करके आवाज म्यूट हो चुकी है। अब अपनी इसमें आवाज डालते हैं, देख लो कैसे क्या होगा। देखो आवाज कैसे डालनी है, जो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पे म्यूजिक का एक आइकन मिला है, इस पर क्लिक करना है। ऐसे करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड देखो एक रेड डॉट सी आ रही है ना बड़ी सी, भाई इस पे क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देख लो गाइस मैं यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। देखो मैं भाई एकदम रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कोई स्क्रिप्टेड वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मैंने एक बार देखी भी नहीं इस वीडियो को अब तक। तो जब आप लोग रिकॉर्डिंग करोगे भाई पहले वीडियो को अच्छे से देख लेना इसमें हो क्या रहा है, तब उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करना। मेरे को तो पता ही नहीं भाई इस वीडियो में चल क्या रहा है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो थोड़ा अनस्क्रिप्टेड होगा, तो उसको इग्नोर करना, आप लोग अच्छे से करना जब करोगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे आप लोग रेड वाला बटन क्लिक करोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, देख लो कैसे। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये वीडियो आपका दिमाग घुमा देगी, आप लोग इसको जितना भी जूम करोगे भाई ये कभी पिक्सल डाउन ही नहीं होंगे इसके। देखो यहाँ पे जूम करता हूँ, लैपटॉप आ चुका है, अब लैपटॉप में जूम करता हूँ भाई, यहाँ पे देखो दो लड़के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जूम करूंगा कप में जूम करूंगा, यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। अब मैं वापस से इसके फोन में जूम करता हूँ और भाई देखो यहाँ पे क्या आ गया, वापस से जूम करूंगा ये देखो पूरी सिटी आ गई यहाँ पे। फिर और जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ, घर ओपन हो गया। अब घर पे क्लिक करूंगा, विंडो पे जाऊंगा, यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल में जूम करूंगा भाई देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। अभी आप लोग थोड़ा सा देखते जाओ, चार लड़के बैठे हुए, लड़के के यहाँ पे आंखों में जूम करूंगा और देखो भाई कहाँ पे आ गए। गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। अब देखो मेरे को पता है मैंने सही नहीं की, क्योंकि वीडियो भी एकदम से चल रहा था और एकदम से सोचना पड़ता है हमको कि आ क्या रहा है। बट जब आप लोग करोगे भाई वीडियो को अच्छे से देख लेना, लिख लेना आपको बोलना क्या है, तभी आप लोग इसमें अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में इसमें क्या बोला, ये वीडियो आपका दिमाग घुमा देगी, तो आप जो स्टार्टिंग वाली लाइन बोल रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, देख लो कैसे। ये वीडियो आपका दिमाग घुमा, देखो मैंने इसमें बोला हुआ है ये वीडियो आपका दिमाग घुमा देगी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलता है ना टी वाला, यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलता है म्यूजिक से नीचे टी, आपको इस पे क्लिक करना है, टाइटल वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड हाइडलाइन, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है आपको ये वीडियो। देखो हिंदी में लिखना है आपको भाई, देखो ऐसे करके ये, और वीडियो लिखना है आपको इंग्लिश में ये वीडियो, और इसको ऐसे करके भाई ऊपर ले आओ, यहाँ पे ले आओ। और अगर आप लोग इसमें कोई फॉन्ट वॉन्ट डालना चाहते हो डाल सकते हो, एडिट में जाओगे FF में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, लाइक ये वाला रख लेते हैं भाई, ये सही लग रहा है मेरे को। अब गाइस आपको क्या करना है, मेरे को पता है भाई आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, तो अब जो हमने दो वॉलपेपर से डाउनलोड किए हैं वे यहाँ पे काम आएंगे भाई। थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करोगे स्टॉक्स में जाओगे, ये देखो मैं यहाँ पे रेड वाला ले आता हूँ पहले। अब आपको क्या करना है, ये रेड इमेज हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, नीचे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, आपको इसको क्रॉप कर लो भाई, बीच में से करना क्योंकि साइड में इसकी शेडो वेडो आ रही है थोड़ी सी, वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे करके क्या मैंने यहाँ पे आपको इसको ऐसे कर देना है भाई, ये देखो। अब क्या करना है आपको, ये वीडियो तो हमने लिख दिया, यहाँ पे आपको लिखना है ये वीडियो आपका दिमाग, आपका भी मत लिखो, ये वीडियो दिमाग घुमा देगी, इतना लिख लो घुमा देगी। अब यहाँ पे आप लोग एक इमोजी भी लगा सकते हो कोई, जो थोड़ा वीडियो में चार चांद लगा देगा जिसको बोलते हैं, तो इमोजी में जाऊंगा मैं ऐसे करके, ओके एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं डन। ये देखो भाई ऊपर आ गया ना, इसको थोड़ा जूम करो ऐसे करके, और जो अब हमने येलो वाली डाउनलोड किया है येलो वॉलपेपर, अब उसको इम्पोर्ट करो भाई, येलो वाला आ गया, इसको भी क्रॉप कर लो ऐसे करके भाई, देखो इसको बीच बीच में से क्रॉप करना है आपको, अब इसको ऊपर ले जाओ। अभी देखो यार यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो आप लोग, व्हाइट चमक ही नहीं रहा इसके ऊपर, तो यहाँ पे बात आती है कलर कंट्रास्ट की, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ऐसा मत करना भाई येलो के ऊपर आप लोग व्हाइट में लिख दोगे तो वो चमकेगा ही नहीं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने दिमाग घुमा देगी। तो एडिट वाले बटन में क्लिक करूंगा, रेड चल रहा है इस पे, ठीक है, बट रेड नहीं रखते ब्लैक रख के देखते हैं, ब्लैक बढ़िया लग रहा है। ओके अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर, इस पे क्लिक करोगे, व्हाइट पे बटन पे क्लिक करो, अब ये देखो हमारा कितना तगड़ा चमक रहा है, ये वीडियो दिमाग घुमा देगी। अब ऊपर तो हमने लिख दिया, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लेना भाई ऐसे करके जैसा आपको सही लगे। अब नीचे की जगह यार खाली खाली सी बढ़िया नहीं लग रही, तो आपको क्या करना है, अपने किसी ब्राउजर पे वापस से चले जाओ, यहाँ पे जाके सर्च करो सब्सक्राइब बटन, यहाँ पे कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो, कोई भी लाइक ये वाली डाउनलोड कर लो, जो भी आपको अच्छे लगे वो कर लो, डाउनलोड करने के बाद वापस से आओ, अपनी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो भाई, जैसे डाउनलोड किया मैंने इतना करके, अभी देखो अच्छी नहीं लग रही है तो ऊपर से इसको क्रॉप कर दो ऐसे करके, ऊपर से ज्यादा हो रही है तो ऊपर से इसको इतना करके क्रॉप कर दो, अब सही लगेगी देखना आप लोग। ये देखो मैंने इतना कर दिया, देखो भाई वीडियो हमारी लगभग रेडी हो चुकी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो जहाँ पे भी आपको सही लगे। अभी आपको क्या करना है गाइस, देखो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हो लाइक ये वीडियो आपका दिमाग घुमा देगी, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा पीछे हल्का हल्का सा म्यूजिक चलता है, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको वाइब ही नहीं आएगी। तो आपको बताता हूँ क्या करना है, देखो एक म्यूजिक मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसको यूज किया मैंने, ये हमारा म्यूजिक अब यूज हो जाएगा। अभी इसका आपको वॉल्यूम कितना रखना है गाइस, वॉल्यूम आप इसका बहुत ही कम रखो, लाइक 7-8 रख सकते हो, बस इससे ज्यादा रखोगे दिक्कत हो जाएगी आपको। इस वीडियो को प्ले करता हूँ,
इसको जितना भी जूम करोगे भाई ये कभी पिक्सल डाउन ही नहीं होंगे इसके। देखो यहाँ पे जूम करता हूँ, लैपटॉप देख सकते हो आप लोग भाई। इस तरीके से आपको वीडियो रेडी करनी है अपनी भाई, 10-10, 20-20 मिलियन आपको व्यूज मिलने वाले हैं और चैनल मोनिटाइज भी होगा आपका, आप यूट्यूब से पैसा भी कमाओगे, 100% कमाओगे। ओके गाइस, वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है, अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट का प्रोसेस भी जान लो, फिर इसको आप लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देना। ऊपर जो ब्लू वाला आइकन मिलता है ना आपको, उस पर क्लिक करना है आपको, और रेजोल्यूशन आपको इसका 1080 पिक्सल रखना है, FPS आपको हमेशा 60 रखना है, एवरेज बाइट रेट MBPS इसको आप लोग 50 तक रख सकते हो भाई, साइज देख लेना बस, साइज ओवर ना जाए वीडियो का। ये करने के बाद आपको वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, तो आपका वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, होप करता हूँ यार ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ सही लगा हो तो चैनल को यार जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना।